ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। महसा अमीनी की मौत ने तो पूरे ईरान को दहला कर रख दिया। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध को भड़का दिया है। ईरान की महिलाएं हिजाब प्रोटेस्ट के जरिए क्रांति लाने की राह देख रही हैं। हाल ही के एक इवेंट में ईरान की बास्केटबॉल टीम की महिलाओं ने भी अलग तरीके से हिजाब के खिलाफ विरोध जताया है। महिला बास्केटबॉल टीम ने हिजाब के बिना सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हुए वुमेन लाइफ फ्रीडम का कैप्शन भी दिया है। हाल ही में शेयर की गई इस इंस्टाग्राम पोस्ट को अब तक 25,000 से भी ज्यादा लाइक्स और 3,800 से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। यूजर्स ने इसे साहसिक और बहादुर कदम बताया है। बता दें कि हाल ही में हिजाब हटाने और हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दो ईरानी एक्ट्रेस हिंगामा गजियानी और कात्यायन रिहाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्ट्रेस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उकसाने वाले पोस्ट डाले थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ईरानी तीरंदाज परीदा घासेसी का राजधानी तेहरान में एक पुरस्कार समारोह के दौरान हिजाब हट गया। ऐसे में लोगों को लगा कि ऐसा कर हिजाब विरोध का समर्थन किया जा रहा है और घासेमी पर लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा कि हवा की वजह से हिजाब गिर गया और ये कोई विरोध का संकेत नहीं था। बता दें हाल ही में ईरान के पुरुष खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से ही मना कर दिया। टीम का कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रगान नहीं गाया। अब इस मामले पर भी जमकर बवाल हो रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।